मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धन व लाभ के लिए करें यह 5 उपाय। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। सोलह कलाओं से संपन्न भगवान श्री कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को रात्रि 12 बजे मथुरा नगरी के कारागार में वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से रोहिणी नक्षत्र में एवं वृषभ के चंद्रमा की स्थिति में बुधवार के दिन हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। यूँ तो हर जीव से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने में देरी नहीं करते हैं। इस खास दिन भगवान कृष्ण को खुश करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अभीष्ट लाभ की सिद्धि के लिए जन्माष्टमी के दिन ये उपाय पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से करें। धन लाभ के लिए, आर्थिक संकट के निवारण के लिए, धन लाभ के लिए जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करें। इससे आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं, धन लाभ के योग प्रबल होते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन प्रातः दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। इसके बाद यह उपाय हर शुक्रवार को करें। इस उपाय को करने वाले जातक से माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस उपाय को करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने अथवा चावल की खीर यथाशक्ति मेवे डालकर बनाकर उसका भोग लगाएं। उसमें चीनी की जगह मिश्री डालें एवं तुलसी के पत्ते भी अवश्य डालें। इससे भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से ऐश्वर्य प्राप्ति के योग बनते हैं। धन यश की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी भी कहलाते हैं। पीताम्बरधारी का अर्थ है जो पीले रंग के वस्त्र को धारण करता हो। इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी मंदिर में भगवान को पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज व पीली मिठाई दान करने से भगवान श्री कृष्ण व माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न रहते हैं। उस जातक के जीवन में धन और यश की कोई भी कमी नहीं रहती है। सर्व कार्य सिद्धि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं। ऐसी मान्यता है जो जातक जन्माष्टमी से शुरू करके कृष्ण मंदिर में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसको जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता है। व्यापार नौकरी में तरक्की के लिए कई बार काफी कोशिशों के बाद व्यापार नौकरी में मनवांछित सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर या सफेद मिठाई खिलाकर कोई भी उपहार दें। ऐसा उसके बाद 5 शुक्रवार तक लगातार करें। इसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यापार कारोबार में मनवांछित सफलता मिलती है। अस्थाई धन लाभ के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करें। फिर उसके बाद उस पत्ते पर रोली से श्री मंत्र लिखकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इस उपाय से लगातार धन का आगमन होता रहेगा। विपुल ऐश्वर्य अस्थाई सुख समृद्धि के लिए जन्माष्टमी की रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें। फिर उन्हें गंगा जल या साफ जल से स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करें। आसन अथवा झूले में बिठाएं। तत्पश्चात भगवान को मिश्री, मक्खन, मिठाई, फल अर्पित करके दक्षिणा चढ़ाएं। अंत में भगवान की आरती करके उनसे अपने यहाँ अस्थायी रूप से रहने का निवेदन करें। जातक पूजा के बाद घर के सभी बड़े सदस्यों का चरण छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य ले। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर धन लाभ के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।